बढ़ेंगे कर्नाटक एक्सप्रेस में आगे और खबरें देखेंगे कर्नाटक की। और सबसे पहले बात कर लेते हैं चिकबल्लापुर की, जहां शासक SN सुबरेड्डी ने गुड़बंदे तालुका से वार्डो में पैदल दौरा करके निवासियों से बातचीत की और वार्डो में नागरिकों से बिजली पानी सीवेज सड़क की समस्या बताई। और सुबरेड्डी ने समस्याओं को तुरंत दूर करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है, तो जल्द ही निराकरण न होने पर अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर कम गुणवत्ता वाली सामग्री से सड़क बनाने पर इंजीनियर को नोटिस देने की भी बात भी उन्होंने की है। बीदी दीपक निर्वहणे इरबहुदु, ये राज्य कालोगळल्लि क्लीनिंग इरबहुदु, मत्ते निवेशनगळु मत्ते मनेगळ समस्येगळु। नानंतु इवत्तु एनु विजिट माडिद्दीनि, नानु एनु प्रामिस माडिद्दीनि, एंटायर गुडबंडे पट्टणदल्लि सीसी रस्ते इरबहुदु, चरंडि इरबहुदु। दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट में प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने और सांसद सुकांत मजूमदार को कलंकित करने की कोशिश के विरोध में रैली निकाली गई और हीली फूलबाड़ी के विभिन्न स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से विशाल विरोध रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री के फोटो में पश्चिम बंगाल की मनीषियों की फोटो लगाकर भाजपा को बदनाम करने की कोशिश की गई, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी के इस पोस्टर को मुद्दा बनाकर धिक्कार रैली का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के मनीषियों को भारतीय जनता पार्टी ये दर्जा दे रही है और उनका अपमान कर रही है। নির্বাচনের আগে আর তাদেরকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য যে বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দিচ্ছে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি। গতকালকে তৃণমূল যে নোংরাম করেছে বালুরঘাট, জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তার নিচে যে আমাদের বাংলার মানুষদের ছবি দিয়ে আমাদের বালুরঘাটের সাংসদ মাননীয় সুকান্ত মজুমদার। মুর্শিদাবাদ কে আদুলিয়া মে शीतला तालाब पुत्र के नीचे लंबे समय से अवैध रेत खनन जारी है और कंडी से बाजारसो और शक्तिपुर को जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण अब भी जारी है। कांग्रेस विधायक सफीउल आलम खान ने डर जताया है कि अवैध रेत खनन से उनकी नींव कमजोर होने का खतरा है। लोगों का आरोप ये भी है कि रेत माफिया प्रशासन और अधिकारियों की नजर में इस तरह का अवैध काम चला रहे हैं और विधायक के अनुसार गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो उन्हें काम बंद करने के लिए कहेंगे। এখানকার ইরিগেশন দপ্তরের যিনি আধিকারিক তার নেতৃত্বে পয়সা নিয়ে এখানে কোথাও বিল্ডিং নির্মাণ হচ্ছে, কোথাও কালভার্ট নির্মাণ হচ্ছে, ইরিগেশনের সম্পত্তির উপরে ক্যানেলের উপরে অবস্ট্রাকশন, তার পায়ার নিচে থেকে যদি বালি খাল করে চলে যায় তা বিশেষ দুর্বল হয়ে যাবে, এটা প্রশাসনের মদতেই হচ্ছে। টপ্রবটম এর আগেও একটা নেতা এসেছিল মানে সর্ব মানে ইয়ে মানে এদের মানে सोलापुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बचाई गई। पंडरपुर तहसील के गादे गांव में पशु चिकित्सक ने मोर की जान बचाई है। बताया जा रहा है कि दो दिनों से एक घायल मोर लिंबारा शिवरस्ता में रुका हुआ था और वृक्ष मित्र दत्ता बागल और गणेश बागल को इस बारे में पता चला तो उन्होंने एनिमल राहत नामक संस्था की मदद ली और जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था के पर्यावरण मित्रों ने तत्काल उपचार और सतर्कता से राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचा लिया। और बात करेंगे रायचूर की, जहां पर चितल कुंचा गांव के पास लावारिस लाश बरामद हुई है। मृतक की आयु 25 से 30 साल बताई जा रही है और मृतक का शव पानी में डूबा हुआ मिला था। गुबर पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने शव को रिम्स अस्पताल भेज दिया है। चिंतल कुंटा केनाल हत्तिर 25 30 ವರ್ಷದ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಯುವಕನ ಶವ ದೊರೆತಿತ್ತು। ಶವವು गौरी बदनूर मार्ग पर वीरदय अम्मा घाटी में एक मोड़ पर ऑटो को ओवरटेक करने की कोशिश में तेल से भरा एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सड़क पर टैंकर का तेल फैल गया और जिससे दोनों ओर ट्रैफिक जाम हो गया। तेल के कारण वाहनों को सड़क पर चलने में परेशानी हो रही है तो दोनों वाहनों पर सवार 7 लोग सुरक्षित हैं।
उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में चाय बागान के कब्जे को लेकर भूमाफिया और मजदूरों के बीच जमकर झड़प हुई। भूमाफियाओं की ओर से की गई गोलीबारी में एक मजदूर घायल हुआ, तो घटना जिले के हिंगलाकच क्षेत्र की है और 26 एकड़ के चाय बागान को लेकर हुई झड़प के बाद इलाके में तनाव है। तो सूचना पाकर पहुंची चोपड़ा थाना पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर दो बंदूकें जब्त की हैं। मामले की जांच की जा रही है। 40 বছর ধরে কাজ করি, তো আজকে আমরা কাজ করে এই নিচে ঝুলদার কাটতেছিলাম, ও পিছনে যায় আমার কলারটা ধরে বাই করতে যায়, বলতে ভাগ তাহলে বাই কেন কাজ করলি। আমি ওকে বললাম এই বেটা তুই যে জমি কিনছিস তাহলে তুই ইয়ে দেখা কাগজ দেখা মালিককে নিয়ে আয়। सोलापुर जिले के पंडरपुर तीर्थ स्थल में ब्रिटिश काल के पत्थर के पुल पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि बीड जिले के थारूल के गन्ना श्रमिक मंदिर में दर्शन के लिए आए थे और उनका ट्रक चंद्रभागा नदी के पास पुराने पुल पर खड़ा था और पुल पर बड़े वाहन ले जाने की मनाही के बाद भी ट्रक यहाँ लाया गया और ट्रक के ड्राइवर ने नशे में ट्रक आगे ले जाने की कोशिश की, जिससे ट्रक नदी के बेसिन में गिर गया और घटना से सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां तारकेश्वर से असम के डीमापुर के लिए कृषक स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ रेल अधिकारियों ने फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर किया। स्पेशल ट्रेन हर शुक्रवार को सुबह 10 बजे तारकेश्वर से रवाना होगी और इससे हुगली के किसान अपनी फसलों का निर्यात कर सकेंगे और उन्हें लाभ पहुंचेगा। और ट्रेन सेवड़ा पुली, श्रीरामपुरा और बिंडल, अजीमगंज, मालदा और न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए आलू प्याज और टमाटर जैसी फसलों का निर्यात करेगी। कोलकाता में ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्य मार्ग से परिवहन कार्यालय तक रैली का आयोजन किया गया, लेकिन रास्ते में ही रैली को रोक दिया गया। एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और एसोसिएशन के सदस्यों ने परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति की भी मांग की है। हम लोग का जो मेन तकलीफ है 2018 तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट सरफेस मिनिस्टर एक्सेल लोड दिए चिलो जो ऑल इंडिया में हर स्टेट में लागू हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार हम लोग का एक्सेल लोड पासिंग नहीं किया। चिकबल्लापुर जिले के सिदलगट्टी के ग्राम जैती में सरकार की गंगा कल्याण वेरवेल योजना में घोटाले का मामला सामने आया है और योजना में वितरित किए जाने वाले मोटर पाइप के लिए अधिकारी और कर्मचारी लाभार्थी किसानों से पैसे की मांग कर रहे हैं। अधिक पैसे देने वाले किसानों को अच्छा सामान दिया जा रहा है। किसानों ने इस भेदभाव का विरोध करते हुए योजना सही ढंग से लागू करने की भी मांग की है। हुगली जिले के आरामबाग में पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और ग्रामीण महिलाओं ने हाथों में खाली बाल्टी लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पंचायत प्रधान का घेराव भी किया गया। आरामबाग पंचायत के टकसाल गांव के लोगों का कहना है कि क्षेत्र के लोग कई दिनों से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं और शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों के जाम से सड़क के दोनों ओर लंबी कतारें लगी हुई हैं और पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। দিন এইভাবে কম করে করে আলা হয়ে যাচ্ছি, সারা জীবন যেই থেকে এই দেশে এসেছি, কিন্তু পেট ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, জলের সমস্যা, কুকুরেরও সমস্যা, কুকুরেও জল নাই, ঝালে যাও। हुगली पुलिस आयुक्त डॉक्टर हुमायूं कबीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके कार्यकाल में जिले में अपराधों के ग्राफ में काफी कमी आई है। कबीर के कार्यकाल के कुछ महीने ही शेष थे और उनके इस्तीफा देने का कारण भी सामने नहीं आया है। हुमायूं कबीर के राजनीति में शामिल होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ खुद कबीर ने यह स्पष्ट नहीं किया है और हुमायूं कबीर की जगह IPS गौरव शर्मा ने पदभार संभाल लिया है। चिकबल्लापुर में ग्राम पंचायत सदस्य को पूर्व परिवहन मंत्री HM रेवन्ना ने सम्मानित किया और वीरेश्वर पंत संस्था बैंक की पहली वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेवन्ना ने कहा कि बैंक ग्राहकों को
बेहतर सेवा प्रदान करेगा और ग्राम सभा चुनाव जीतने वाले सदस्य को लोगों की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के विकास के लिए सोलापुर जिले के पंडरपुर तहसील के मुस्लिम समुदाय के लोग दान देने के लिए आगे आए हैं। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से चलाए जा रहे अभियान में संत पीठ नया बागवान मोहल्ले से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया और अभियान में समुदाय की महिलाएं भी शामिल हुई और लोगों से दान देने की अपील की गई। दक्षिण दिनाजपुर जिले में बालूरघाट थाने के सामने धूमधाम से सेफ ड्राइव सेव लाइफ का साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की अनदेखी के चलते मुख्य सड़क पर लोडिंग अनलोडिंग का काम भी किया जा रहा है। डंपिंग के कारण सड़क पर कई बार हादसे हो चुके हैं और मामले में बालूरघाट के विधायक विश्वनाथ चौधरी का कहना है कि प्रशासन व्यवस्था जब लाचार हो तब ऐसा ही होता है। वहीं सांसद डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने भी प्रशासन की मिलीभगत से लोडिंग अनलोडिंग होने का आरोप लगाया। रोड इंजीनियरिंग रोड लाइटिंग एवं ट्राफिक पुलिस एक साथे काज ना करले ट्राफिकेर समस्या समाधान करा सम्भव ना एवं एटी एटी टाइम कंज्यूमिंग खाली ना एक डायनामिक सब्जेक्ट बटे। आज के एई बालुरघाट शहरे जनसंख्या जा आछे 10 बछर आगे तार थेके अनेक कम छिलो गाड़ी संख्या अनेक कम छिलो किन्तु गाड़ी संख्या बेड़ेछे जनसंख्या बेड़ेछे किन्तु रास्ता किन्तु बाड़ेनि এবং এটা সমস্ত আরবান সেন্টারে শুধু বালুরঘাট না দ্য প্রবলেম ইজ দ্য সেম যে আমরা দুটো ফ্যাক্টর তো ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে পপুলেশন অ্যান্ড ভেহিকলস কিন্তু রাস্তা বাড়ছে না রাস্তা বাড়া তো সম্ভব না আকাশে তো রাস্তা তৈরি হবে না যেটুকু জায়গা আছে তাতেই রাস্তা তৈরি হবে তার হুবলি পূর্ব ট্রাফিক পুলিশ স্টেশন মে রাষ্ট্রীয় সড়ক সুরক্ষা কার্যক্রম মে चनम्मा सर्कल में सड़क सुरक्षा सर्वेक्षण किया गया और हुबली धारवाड़ पुलिस आयुक्त कार्यालय ने भी इसमें सहयोग किया। वाहन चालकों और जनता ने इस आयोजन में भाग लिया। वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने और अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाने की भी सलाह दी गई। हुबली गोकुला मयर लिंगेश्वरन मंदिर में जन्ना महोत्सव का आयोजन किया गया और नंद गोकुला मार्ग पर हुए आयोजन में पंचामृत अभिषेक के बाद महामंगल आरती की गई और पोलिंगली तहसील के क्षेत्र में प्रवचन का भी आयोजन किया गया जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। यादगिरी जिले में हुनसगी के प्रसिद्ध गद्दीमा देवी का जन्ना महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव में अलग अलग राज्यों के भक्त शामिल हुए और इस कार्यक्रम में देवी के रथ को भक्तों ने खींचा और विशिष्ट पूजा अर्चना की। हर साल ये महोत्सव आयोजित किया जाता है लेकिन इस साल कोरोना के कारण भीड़ कम नजर आई। गद्दीमा देवी प्रति वर्ष वर्ष कूड़ा जात्र नड़ीता है याकंद्र प्रति वर्ष जनवरी तिंगल जात्र आगता है आद कारण इल्ली साकष्टु भक्तादिगळु बर्तार ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಕರೋನಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಥೋತ್ಸವ ಇದೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಭಾಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮರುದಿನ ದಿನ ಗಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದೇವಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚಂಚನ ಬಣ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿದೇವತೆ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಗಡ್ಡಗದ್ದಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಿ ಓರ್ ಸೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಧಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಡಿವಿಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಕಿ ಗೈ ಆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ हाल में आयोजित किया गया। मेरी एकेडमी के अध्यक्ष रहीम उछिल ने डीवीडी जारी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी की भाषा का इतिहास 1400 सालों पुराना है।
और स्क्रिप्ट और कैलेंडर बैरी भाषा के पहले ही जारी किए जा चुके हैं और बैरी स्क्रिप्ट लर्निंग सिस्टम के पहले भाग की डीवीडी पहले जारी की जा चुकी है ताकि लोग बैरी की भाषा आसानी से सीख सकें। ಡಿವಿಡಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಡಿವಿಡಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಗುಣಿತ ಇವುಗಳನ್ನೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೆಯ ಬುಲೆಟಿನ್ ಫಿಲ್ಹಾಲ್ ಇತ್ತೀ ಸ್ವರಾಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್.